हेलो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगो का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ में हमें गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए जरा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। सो साइन इनवर्स 2x को हम लेफ्ट साइड में एज इट इज यहीं पर रखेंगे और साइन इनवर्स x को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन इनवर्स 2x एज इट इज रहा हमारा एंड राइट साइड में हो जाएगा पाई बाई 3 और माइनस में ये साइन इनवर्स x जो लेफ्ट साइड में था अब राइट साइड में शिफ्ट हो गया। सो इट इज पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स x। ओके, नेक्स्ट। अगर हम इस साइन को, ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, राइट साइड में जाकर ये साइन इनवर्स की बजाय क्या हो जाएगा, साइन। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये साइन में चेंज हो गया और लेफ्ट साइड में अब हमारे पास सिर्फ 2x बाकी बचेगा, दैट इज 2x। सो नाउ वी हैव 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स एक्स, करेक्ट। नाउ राइट साइड में अब हमारे पास क्या है, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। दिस इज लाइक साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस थीटा या लाइक राइट। इसको हम साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। सो इट इज साइन ए माइनस बी एंड साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। सो लेफ्ट साइड में जो 2x है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज रहा एंड राइट साइड में साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स एक्स इस पे आइडेंटिटी अप्लाई की। सो दिस इज साइन ऑफ पाई बाई 3 दैट इज साइन ए कॉस बी, कॉस ऑफ बी, बी के जगह पर क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, माइनस कॉस ए, ए के जगह पे क्या होगा पाई बाई 3। सो कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, साइन ऑफ बी इज साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। नाउ यहां पर हमारा साइन ऑन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड कॉस पाई बाई 3 की जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इस स्टेप को मैं दोबारा से बिगनिंग से ही बताता हूँ। नाउ हमारा 2x एज इट इज रहेगा, राइट। साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 इज रूट 3/2 होता है। कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये एज इट इज रहा, माइनस कॉस पाई बाई 3 की जगह क्या लिखा जाएगा, हाफ, क्योंकि कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, हाफ, राइट। एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन दोनों कैंसिल, साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, ओनली एक्स, राइट। अब ये स्टेप हमारा हो आ गया है, राइट। राइट साइड में जो हाफ ऑफ एक्स है, माइनस का हाफ ऑफ एक्स है, अगर इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होकर ये क्या हो जाएगा, 2x एज इट इज है और ये हाफ एक्स कहाँ से आया, राइट हैंड साइड से, जो राइट हैंड साइड में माइनस का था अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस, राइट, विच इज इक्वल टू रूट 3/2 जो हमारे ऊपर वाले स्टेप में था एज इट इज रहेगा। एंड कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स एज इट इज लिखा हुआ है, राइट। अब अगर हम जरा देखें, दिस इज हाफ एक्स प्लस 2x, 2x प्लस हाफ एक्स दैट इज 5x/2, 5 1/2x इक्वल टू रूट 3/2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। अब हम इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के टर्म में चेंज करेंगे, राइट। उसके लिए मैंने साइन एक्स इनवर्स एक्स को क्या लिया है, थीटा, सो एक्स विल बी साइन ऑफ थीटा, राइट। यहां से अगर आप ट्राइंगल यूज करके एक्स को लिख सकते हैं आप, एक्स अपॉन 1, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, सो ट्राइंगल को यूज करके यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो कॉस थीटा यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा विल बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1, राइट। सो थीटा विल बी वट, थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। साइन इनवर्स को हमने थीटा पुट किया था और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स के टर्म में क्या होगी, वन, सॉरी दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है।
तो थीटा के जगह आप क्या डाल सकते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। नाउ लेफ्ट 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड में बाकी टर्म बचेगी हमारे पास 5x, सो इट इज 5x इज इक्वल टू, राइट साइड में है √3, √3 कॉस एंड कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सो यू हैव 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओनली, सो दिस इज √3 एंड दिस वन इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, करेक्ट। अब अगर बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दिया जाए देन दिस दिस विल बी 25x स्क्वेयर एंड राइट साइड में क्या होगा 3 इंटू, दोनों रूट स्क्वेयरिंग की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का रूट भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, करेक्ट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, राइट साइड से आपके पास -3x² आएगा, लेफ्ट साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 25x² प्लस राइट साइड से जो 3x² आएगा दैट विल बी 28x² एंड राइट साइड में 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो यू हैव 3 ओनली, सो x² विल बी 3/28 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू √3/28, सॉरी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/28, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक आप इसको कर पाएंगे।